प्रीतिस किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनने वाली रेसिपी। तो आइए मैं बता देती हूँ आपको। फ्रेंड्स एक्चुअली क्या है ना कि आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं क्या नहीं, और है ना सही बताऊं तो मेरा आज कुछ बहुत ही हल्का खाने का मन था, तो मैंने सोचा क्यों ना नमकीन चावल या फिर मटर पुलाव बनाया जाए। तो मैंने उसके लिए मैं बता दूं आपको, 3 प्याज लिया है कटा हुआ, और गार्लिक, 1 छोटा आलू और हरी मिर्ची। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट, वैसे भी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ आज। सबसे पहले ना मैं एक्चुअली ना हरी मिर्ची यूज़ करती हूँ ज़्यादा मटर पुलाव में, किसी भी तरह के राइस बनाने हो तो। यहाँ पे ना मैं इसका गार्लिक का और हरी मिर्ची का पेस्ट बना लूँगी, ये जो है ना मैं सिलबट्टे पे पीसूँगी। फ्रेंड्स मैंने ना 5 हरी मिर्ची लिया, अब इसको ना मैं छोटा छोटा कट करके इस पे पीसूँगी। छोटा कट करने से ना एक्चुअली इजी हो जाता है थोड़ा पीसने में, मोटी जो मिर्च होती है ना लंबी वो अच्छे से जल्दी पीस नहीं पाती, इससे क्या है ना जल्दी पीस जाएगी मेरी हरी मिर्ची। तो मैं इसमें थोड़े से लहसुन ऐड करूँगी, लहसुन मैंने थोड़ा सा बचा लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा छील दिया था मेरे हस्बैंड ने। मैं ना ज्यादातर मसाले ना अपने सिलबट्टे पे पीसती हूँ, सिलबट्टे पे क्या है ना स्वाद बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए मेरा जो लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है ना वो अच्छे से पीस चुका है, अब मैं इसको एक कटोरी में निकालूंगी। दोस्तों आप है ना कभी भी है ना मटर वाले पुलाव बनाना तो हरी मिर्च का पेस्ट जरूर डालना, उससे ना क्या है कि ना पेस्ट बहुत अच्छा आता है मटर पुलाव में, कभी ट्राई करके देखना अगर आपने ट्राई नहीं किया तो। गैस फ्लेम को ऑन करूंगी और इसमें जो है ना ऑयल चढ़ाऊंगी, अभी ये थोड़ा गर्म होने देती हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले ना मैं इसमें ऑयल चढ़ाऊंगी, मैं ना मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ, आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। तो जब तक ये ऑयल गर्म नहीं हो जाता ना तब तक हम वेट करेंगे। तो ना जब तक मेरा ये ऑयल गर्म हो रहा है ना तब तक मैं अपने जो राइस है ना वो वॉश कर लेती हूँ। राइस तो वॉश हो चुके हैं, मेरा तेल भी गर्म होना शुरू हो गया। मैं सबसे पहले ना राइस में जीरा डालूंगी। तो अभी जो है ना हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है, मैं सबसे पहले इसमें जीरा डालूंगी। जो मैंने प्याज कट करके रखा था वो ऐड करूंगी। फ्रेंड्स ये रेसिपी ना ऐसी है जब कुछ खाने का भी मन नहीं करता हो ना या फिर कोई हल्का फुल्का खाने का मन करो तो झटपट ही बना लो ना, इसमें क्या है ना कि ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो मटर पुलाव है ना वो मेरी फेवरेट रेसिपी है, तो मैं ना हफ्ते में 2 या 3 बार है ना मटर पुलाव बनाती हूँ। आप में से किस किस को मटर पुलाव पसंद है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जो मैंने आलू कट करके रखे थे ना वो ऐड करूंगी, अब इसको भूनेंगे। तो फ्रेंड्स अब है ना एक एक करके हम सारे मसाले ऐड करेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, हाफ ही डालूंगी दोस्तों क्योंकि मैंने ना हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा है तो मैं मिर्ची कम ही डालूंगी ताकि मेरी जो छोटा बेबी है ना वो भी खा ले। अब जो मैंने पेस्ट बना के रखा था वो नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार,
देखिए मसाला हमारा पक चुका है, मैं इसमें राइस ऐड करूंगी जो मैंने धो के रख लिए थे पहले ही। फ्रेंच राइस जो है ना मैंने 1.5 कप लिया है, आप जब पानी ऐड करें ना तो उसमें 2 गुना पानी ऐड करना। अब मैं ये मटर ऐड करूंगी। ये फ्रेंच मटर मैंने इसलिए बाद में इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये ना ठंडी मटर है तो बहुत जल्दी गल जाती है, और इससे ना बाद में ऐड करने से जो मटर का मीठापन है ना वो भी बरकरार रहता है। तो देखिए यहाँ पे मेरे राइस है ना अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ना यहाँ पे 1.5 कप राइस लिया था, तो मैंने ना इधर 3 कप पानी लिया है, इससे क्या है ना हमारे जो चावल है ना वो अच्छे खिले खिले बनेंगे। तो अब मैं ना कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी और इसमें ना 2 या 3 विसल लगवाएंगे। तो फ्रेंड्स जब तक मेरे कुकर में विसल नहीं आ जाते ना तब तक मैं अपने ना बर्तन वॉश कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए। देखिए आप भी कितने बर्तन हो गए हैं मेरे पास धोने के लिए, और ठंड में है ना सही बताऊं तो बिल्कुल भी मन नहीं करता बर्तन धोने का क्योंकि पानी इतना ठंडा रहता है ना बहुत ज्यादा। फ्रेंड्स यहाँ पे ना मेरी 3 विसल हो चुकी है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कुकर को खोल के हमारी राइस पके या नहीं। ये देखिए दोस्तों कितने खिले खिले चावल हैं हमारे, एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए एकदम अक्यूरेट पानी था हमारे चावलों में। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे जो राइस है वो रेडी हो चुके हैं एकदम, और मैंने प्लेट में सर्व कर दिया है। ये ना आप सभी के लिए है दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।